फ्रेंड्स, अगर आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी की पासवर्ड भूल चुके हो और बिना पासवर्ड के आप अपनी पुरानी इंस्टा आईडी को ओपन नहीं कर पा रहे हो, तो इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताऊंगी जिससे आप अपने पुराने इंस्टाग्राम आईडी को बहुत ही आसान तरीके से खोल सकते हो। और इसके लिए आपको कोई भी पासवर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपका यूज़र नेम भी आपको याद नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिना यूज़र आईडी के भी ये आसान तरीका यूज़ करके अपनी इंस्टा आईडी को खोल सकते हो। तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संगीता और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपकी पुरानी इंस्टाग्राम आईडी को खोलने के लिए सबसे पहले आपको एक नया इंस्टा आईडी बना लेना है अपने इंस्टाग्राम पे, और उसमें आपको पुरानी आईडी के नाम से सर्च करना है। आपको अपना डीपी तो याद ही होगा, आपका प्रोफाइल पिक्चर वो तो आपको याद ही होगा। अगर आपको यूज़र नेम नहीं भी याद है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको अपना प्रोफाइल पिक्चर याद है तो आप अपने नाम से या फिर जिस नाम से आपने इंस्टा आईडी बनाई थी वो पुरानी आईडी को आपको सर्च कर लेना है अपने न्यू इंस्टाग्राम आईडी पर, और उसमें से वही इंस्टा आईडी को कॉपी करके आपको यहाँ पे यूज़र नेम का जो बॉक्स दिख रहा है, दो बॉक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऊपर वाले बॉक्स में आपको डाल देना है। मैंने अपना एक फेक प्रोफाइल खोला है तो आप लोगों को दिखाने के लिए, तो मैं वही नाम से यहाँ पे सर्च करके आपको दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पर जो अपनी फेक आईडी बनाई थी उसका यूज़र आईडी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, और नीचे आप देख सकते हो फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें आपको क्लिक करना है। और इसमें यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा आपका यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस और फोन मोबाइल नंबर का। तो इसमें से जिस भी मोबाइल नंबर से आपने बनाया है तो आपको यहाँ पे वही वाला मोबाइल नंबर डाल देना है। और अगर आपको मोबाइल नंबर याद नहीं है तो दूसरा मेथड ये है कि आप अपना ईमेल एड्रेस सर्च कर सकते हो। ईमेल एड्रेस आपके मोबाइल में, जो भी ईमेल एड्रेस ईमेल खुला हुआ होगा ईमेल वाले ऑप्शन में, वहाँ जाके आप ईमेल एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर से कैसे खोलते हैं वही वाला प्रोसेस दिखा रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देती हूँ जिस मोबाइल नंबर से मैंने अपनी अकाउंट खोली थी, और आपको यहाँ पर फाइंड अकाउंट में क्लिक कर देना है। और इसमें आप देख सकते हो गेट कोड और लिंक वाया एसएमएस का एक ऑप्शन दिया जा रहा है, इसमें आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है जिससे आपको एक कोड मिलेगा आपके इनबॉक्स में। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पे एंटर कोड का ऑप्शन दिखा रहा है क्योंकि आपके मोबाइल में कोड जा चुकी है, तो यहाँ पर आपको कोड डाल देना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा जिसमें आपको अपना पासवर्ड डाल देना है और कंटिन्यू में क्लिक करना है। इसमें आप फ्रेंड्स देख सकते हो आपको यहाँ पे सेव और नॉट सेव का ऑप्शन दिखा रहा है। सेव का मीनिंग ये है कि आपका पासवर्ड यहाँ पे सेव हो जाएगी अपने मोबाइल में। अगर आपको सेव नहीं करना है तो नॉट नाउ पर आप क्लिक कर सकते हो, तो मैंने अभी नॉट नाउ पर ही क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर आपका प्रोफाइल ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड, इस तरह से आप अपने इंस्टाग्राम की आईडी को, पुरानी आईडी को बहुत ही आसान तरीके से अपने मोबाइल में दोबारा खोल सकते हो बिना पासवर्ड के। और अगर आपको जानना है कि क्या ईमेल प्रोसेस में आप कैसे खोल सकते हो, अगर आपने इंस्टाग्राम खोलने के टाइम में अपना मोबाइल नंबर यूज़ नहीं किया, अगर आप जानना चाहते हो कि ईमेल आईडी के ज़रिए आप कैसे इंस्टा आईडी को रिसेट कर सकते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसका एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको अगर कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।